बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी श्रह ली सदरी व यसर ली अमरी व हलुल उक़दा मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 12 से डू व्हाइल लूप की एक एक्सरसाइज प्रोग्राम करने जा रहे हैं और एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का पता चल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आईटी नॉलेज सीकर एग्जांपल 2 है हमारे पास। योर टेलीफोन कनेक्शन में बी इन एनी ऑफ 2 स्टेट्स। जो टेलीफोन कनेक्शन है हमारा वो 2 स्टेट के अंदर हो सकता है, वर्किंग और डेड। हमने प्रोग्राम बनाना है जो करंट स्टेट ऑफ द लाइन यानी टेलीफोन की लाइन वो यूजर से इनपुट के तौर पर लेगी। द यूजर शुड एंटर W फॉर वर्किंग एंड D फॉर डेड स्टेट। एनी इनपुट अदर देन W आर डी विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड। अब अगर यूजर W और D इंटर करता है तब तो ओके है इनपुट, अदरवाइज अगर कोई और करेक्टर इनपुट करता है तो ये इनवैलिड इनपुट कंसिडर होगी। और हमने क्या करना है, वी वॉन्ट टू फोर्स द यूजर टू एंटर वैलिड इनपुट वैल्यू। हमने यूजर को फोर्स करना है कि वो वैलिड इनपुट वैल्यू एंटर करे, कि जब तक वो वैलिड वैल्यू यानी W या D में से करेक्टर एंटर नहीं करेगा तो तब तक जो है वो उसे बार बार कहता रहेगा कि आप जो है करंट स्टेट एंटर करो। और इस चीज़ को हमने, दिस कुड बी अचीव बाई यूजिंग डू व्हाइल लूप। प्रोग्राम को देखते हैं। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव stdio.h हेडर फाइल। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन अवर प्रोग्राम। इस हेडर फाइल को हमने इसलिए शामिल की है कि हमने ये प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया है और स्कैन एफ फंक्शन यूज किया है और ये बिलोंग करते हैं इस हेडर फाइल से। पहली लाइन जो है मेन फंक्शन के अंदर वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हमने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल जो है स्टेट नाम है इसका डिक्लेयर किया। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी बेसिकली मेमोरी के अंदर रैम के अंदर 1 बाइट रिजर्व हो जाएगा, किस नाम से, स्टेट के नाम से। ठीक हो गया। इसमें भी गार्बेज वैल्यू है स्टेट में, 1 बाइट का ये रैम के अंदर 1 बाइट रिजर्व हो गए हमारे प्रोग्राम के लिए और उसमें गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये आउटपुट स्टेटमेंट है, जैसे ही ये स्टेटमेंट चलेगी जो हमारा मैसेज लिखा हुआ है बैक स्लैश एन न्यू लाइन में ले जाएगा और ये जो हमारा मैसेज लिखा हुआ है प्लीज इंटर द करंट स्टेट ऑफ टेलीफोन लाइन एंटर W फॉर वर्किंग एंड D फॉर डेड, ये एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो W है ये हमने स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज किया सिंगल कोट, W के दोनों तरफ जो है सिंगल कोट आएगा, डी के भी दोनों तरफ सिंगल कोट आएगा, बाकी मैसेज एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लाइक मैं एंटर करता हूँ इनवैलिड इनपुट टी करेक्टर मैंने एंटर करके टी लिखकर एंटर किया तो ये जो टी है इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा एड्रेस ऑफ स्टेट पे, यानी कि चला जाएगा यहाँ पे आ गया। अब टी नॉट इक्वल टू W कंडीशन ट्रू, टी नॉट इक्वल टू D कंडीशन ट्रू, ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। और हमें पता है जब वाइल की कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल वापस बॉडी पर आ जाते हैं, बॉडी पर आया दोबारा ये मैसेज प्रिंट होगा, दोबारा हमसे क्या लेगा, इनपुट लेगा। मैं इनपुट दे देता हूँ X और एंटर करता हूँ X नॉट इक्वल टू W कंडीशन ट्रू, X नॉट इक्वल टू D कंडीशन ट्रू, फिर बॉडी पे चला जाएगा। तो इस तरीके से जब तक हम वैलिड इनपुट नहीं देंगे, ठीक है, जब हम इनपुट करते हैं तो पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाती है,
न्यू वैल्यू के साथ, ठीक है, और इसी के से हम इनपुट करते रहेंगे कोई ना कोई करेक्टर, और जब तक हम वैलिड इनपुट यानी डब्ल्यू या डी में से कोई वैल्यू नहीं देंगे, ये हमारा लूप टर्मिनेट नहीं होगा। आई होप सो द होल कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम क्लियरली यू विल अंडरस्टैंड। अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग डू वाइल लूप दैट रिपीटेडली प्रॉम्प्ट फॉर एंड टेक्स इनपुट अंटिल अ वैल्यू इन द रेंज 0 through 15 इंक्लूसिव इज इनपुट। द प्रोग्राम शुड एड ऑल द वैल्यूज बिफोर एग्जिटिंग द लूप एंड डिस्प्ले देयर सम एट द एंड। इसीलिए हमने प्रोग्राम बनाना है कि यूजर से हमारा प्रोग्राम इनपुट लेता रहे जब तक हम इनपुट वैल्यू जो है वो 0 और 15 के दरमियान देंगे, उसमें 0 और 15 भी शामिल है, यानी कि अगर 0 या 0 से बड़ी वैल्यू है और 15 या 15 से छोटी वैल्यू है, इस रेंज के दरमियान हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो वो उसको सम कर लेगा, ऐड करता रहेगा, ठीक है, और हमें हमसे नेक्स्ट इनपुट डिमांड करेगा हमारा प्रोग्राम, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हम जो भी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो 0 और 15 के दरमियान है, ठीक है। जैसे ही हम यानी इस रेंज से बाहर निकलेंगे, हम कोई नेगेटिव वैल्यू दे देंगे या 15 से बड़ी वैल्यू दे देंगे, तो हमारा लूप टर्मिनेट कर देगा, ठीक है जी। अब इसमें देखें कि हमारे पास बेसिकली पहली जो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हेडर फाइल्स और ये मेन फंक्शन का आपको मालूम है, हम जस्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे कि पहला जो हमारा पहली जो स्टेटमेंट है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक है नम इंटीजर टाइप, 2 byte नम के लिए रिजर्व हो गए और 2 byte रिजर्व हो गए सम के लिए। जैसे ही पहली स्टेटमेंट चली वेरिएबल डिक्लेरेशन की, तो 2 और 2 4 byte रिजर्व हो गए रैम के लिए, और सम इनको हमने इनिशियलाइज भी कर दिया किसके साथ, 0 के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आगे आगे डू वाइल की बॉडी है, लूप की बॉडी है, इसमें देखें कि पहली जो स्टेटमेंट है वो है आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट में आपको पता है जो मैसेज लिखा है वो एज इट इज आ जाना है, यानी कि प्लीज एंटर द नंबर, ठीक है जी, बैक स्लैश एन, यानी कि कर्सर आपका इधर आ गया। अब यहाँ पे हमने कोई नंबर इनपुट करना है, इनपुट स्टेटमेंट है, ये वेट कर रही है कि हम कोई नंबर इनपुट करें कंसोल पे, लाइक मैंने दे दिया 10, 10 नंबर देकर मैंने इंटर किया और वो एड्रेस ऑफ नम पे स्टोर हो जाएगा, एड्रेस ऑफ नम पे 10 स्टोर हो गया, ठीक है। अगली स्टेटमेंट में एक एक्सप्रेशन है सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, यानी सम में 0 पड़ा हुआ है, नम में 10 पड़ा हुआ है, 10 प्लस 0 10, आंसर वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, जो आंसर टोटल आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, सम के अंदर वापस। तो 10 प्लस 0 10, तो 0 रिप्लेस हो गया किससे, 10 से, ठीक है। अभी मैं वैल्यू एक और इंटर करता हूँ प्लीज, फिर कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, 10 लेस देन इक्वल टू 15 कंडीशन ट्रू, ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। जब ट्रू रिजल्ट आएगा तो वापस बॉडी पे आ जाएगा, फिर मैसेज प्रिंट होगा प्लीज एंटर द नंबर, और यहाँ पे मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ 12। अब जो है 12 एंटर कर, 12 नंबर लिख कर मैंने एंटर किया, तो उसके बाद ये एड्रेस ऑफ नाम पे चले जाएगा, यानी 10 को रिप्लेस कर दिया किससे, 12 से। एक्सप्रेशन है आगे, अब सम में 0 नहीं है, अब सम में 10 है इस वक्त, यहाँ देख सकते हैं, तो 10 प्लस 12 22 22 कहाँ स्टोर हो गया, सम में, यानी 10 रिप्लेस हो जाएगा किससे, 22 से। तो यानी जो जो हम नंबर इनपुट करते जा रहे हैं वो सम होता जा रहा है सम के अंदर। फिर कंडीशन चेक होगी 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, 12 लेस देन इक्वल टू 15 कंडीशन ट्रू, ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। फिर ट्रू हो गया, फिर बॉडी पे आ गए, तो इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। अब मैं फिर नंबर इनपुट करता हूँ, अगर तो ये नंबर 0 है या 0 से बड़ा है और 15 है या 15 से कम है, फिर तो दोबारा लूप रिपीट हो जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 17 दे देता हूँ, ठीक है,
तो 17 नंबर जो दिए है अभी हमारे पास यहाँ पे नंबर मैंने 17 लिख कर एंटर किया है, तो ये एड्रेस ऑफ नम पे चला जाएगा, यानी 12 रिप्लेस हो गया 17 से, और 22 जमा 17 ये 39 हो जाएगा इधर, यहाँ पे 22 और प्लस 17 ये 39 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस वक्त सामने 39 है, और उसके बाद कंडीशन चेक होगी 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन 17 लेस देन इक्वल टू फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है, और एंड के केस में एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स। अब जब फॉल्स है तो लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आया, आउटपुट स्टेटमेंट मिली, इसमें क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर में जहाँ है वहाँ पर जो आपका आर्गूमेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसकी वैल्यू सम में क्या है, 39, ठीक है। होपफुली इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।